तो अभी तो योजना के अंतर्गत फ्री कोचिंग चल रही क्लासेस को लेकर के यहाँ पर मैं एक और डिस्ट्रिक्ट की जानकारी लेकर के आप सभी के पास आ चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों यहाँ पर औरैया डिस्ट्रिक्ट की, और यहाँ पर आप डेट देख पाएंगे दोस्तों, ये 7 जून को ये प्रदर्शित की गई थी। और इसमें जो है जो इस बार की अभी तो योजना की क्लासेस हैं उस पर जो है ये स्टार्टिंग की डेट निकल के आ गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने पर जोर, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बता देते हैं कौन सा कॉलेज है। और अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों तो आप जाकर के इस डिस्ट्रिक्ट में इस इंटर कॉलेज में डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं अगर आपके पास अभी तक कोई कॉल वगैरह व मैसेज वगैरह नहीं आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जागरण संवाददाता औरैया, यहाँ पर देख सकते हैं दिव्याजपुर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। आप यहां पर कॉलेज का नाम नोट करेंगे, दिव्यापुर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने सरकारी की योजनाओं के बारे में बताते हुए पात्रों को लाभान्वित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए। तो अगर आप यहां पर कैंडिडेट हैं औरैया के और आप दिव्यापुर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को जानते हैं तो आप इस कॉलेज पे संपर्क कर लें अगर आपके इसके आसपास के हैं, और वहां जाकर के आप नई लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हर जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इस बार जो नए अभी तो योजना सेंटर बनाए गए हैं सभी सेंटरों पर जो है PDF फाइलें भेज दी गई हैं। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक मंडल के अलग अलग जो है अलग डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट के पास वो लिस्ट उन सेंटरों पर ही मिल पाएगी। तो अगर आप की करीबन है तो आप इस सेंटर पर जरूर जाएं और यहां से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है। तो यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग मुहैया करा रही है, जिसके लिए जनपद के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समुचित मार्गदर्शन देकर उनके उत्थान की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा सामंजस्य स्थापित करते हुए जनपद में वर्चुअल एवं साक्षात कक्षाओं के संचालन के लिए प्रयास करें। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभान्वित कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययन कार्य के लिए योग्य अनुभवी एवं प्रोफेशनल अभियंताओं की सेवाएं ली जाएंगी, और इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर मालवीय व जिला कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी शरद अवस्थी समेत छात्र छात्राएं व शिक्षक भी मौजूद रहे। तो आज अगर दोस्तों इस छोटी सी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर एक बड़ी नोटिफिकेशन मिली होगी, क्योंकि अगर आपके पास है कोई भी कॉल और मैसेज नहीं आया है और या कि आप हैं तो दिव्यापुर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आप जरूर संपर्क करें, यहां से आपको काफ़ी कुछ जानकारी जरूर मिल जाएगी। आशा करता हूं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ यहाँ पर जैसे हमें कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट की जानकारी मिलती है हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत आपको सूचित करते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।